फ्रिज में रखना, फ्रिज में अरे अकेले खाया मैंने, वो बोले दिया नहीं मीडिया को, सबको समोसा दे दो प्लीज। अभी उधर से बोलेगा उधर भी खाओ। पानी 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 नहीं है, पानी नहीं है, पानी पानी नहीं है, पानी नहीं है, नहीं नहीं, नहीं, नहीं भेज रहे, भेज रहे, tell them to send। हाँ और बहुत अच्छा, आई थिंक क्रिसमस के हॉलीडेज अभी शुरू होने वाले हैं और दिलवाले जैसे एक पारिवारिक फिल्म है, फैमिली फिल्म है। एंड लेटली आई वेंट टू गेटी गैलेक्सी ऑल्सो टू वॉच द फिल्म पब्लिक के साथ, तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक द होल पर्पज फिल्म के बीच ये था कि हम लोगों को हंसाए, लोग खुश होए, परिवार साथ में जाए। आई थिंक मुझे भी साल का अंत ऐसे ही करना था क्योंकि बदलापुर आई थी, ABCD2 आई थी, तो एंडिंग में सबको खुश करके जाना था। क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यू दिए, वो तो नहीं दिए। आई थिंक जो जॉनर होता है दिलवाले का वो क्रिटिक प्रूफ बुलाते हैं, बहुत पॉपुलर जॉनर होता है। बट सी इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसको अच्छी नहीं लगी तो अच्छी नहीं लगी, जिसको अच्छी लगी। बट जो हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं मंडे टेस्ट, अगर मंडे को लोग आते हैं तो मतलब फिल्म चल गई और हमारा मंडे अच्छा था, पीपल आर गोइंग ओवरसीज। एक्चुअली पिक्चर ने बहुत अच्छा कारोबार किया है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इवेंचुअली आर्टिस्ट की तरह मैं खाली ये बोल सकता हूँ मैं खुश हूँ लोग आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दें पिक्चर के लिए, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। नो आई एम नॉट सीन इट, बट मैं बाजीराव से मिला अंदर, आई मेट रणवीर एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम बिकॉज माई मॉम वेंट एंड सॉ बाजीराव। आई एम नॉट हैड द टाइम क्योंकि इतने अवार्ड्स अभी शुरू हो गए, कल भी एक है, सो वेन एवर आई गेट द टाइम 100% बाजीराव देखने जाऊँ। हमें तो कॉम्पिटिशन दूसरे चीज़ों से भी मिल रहा है, खाली उससे ही नहीं, बट आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मेरे हिसाब से दोनों पिक्चरों को बहुत अच्छा करना चाहिए एंड मैं पहले भी उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश कर चुका हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ अगर दे डू एज वेल एज सो इवन बेटर, एज लॉन्ग एज ऑडियंस खुश है बस, देन इज गुड। नॉट रियली, आई थिंक जब मैंने जब जो मुझे नरेट किया गया था रोहित सर ने वही है फिल्म में एंड मुझे मतलब देखो द सनशाइन फैक्टर या टू मेक पीपल हैप्पी इन द फिल्म, तो बिकॉज मैं ज़्यादा कॉमेडी कर रहा हूँ पहली बार और मैंने ये साल में ऑलरेडी ट्रेजेडी किया था, डांस फिल्म की थी, तो पहली बार कॉमेडी कर रहा हूँ तो एक अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं खुश हुआ, आई एम नॉट अपसेट। एक्चुअली सॉन्ग एडिट अभी सॉन्ग क्रिसमस पे आने वाला है वापस, इट्स कॉल्ड प्रेमिका एंड वो पिक्चर में वापस आने वाला है क्रिसमस के मौके। नहीं मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, आई थिंक देयर वाज अ डिमांड फ्रॉम एवरीवन दैट इट कम्स इन एंड आई थिंक इट हो गया, तो हाँ जी आई हैव ऑलरेडी विश्ड हिम, आई थिंक ही इज़ द ओरिजिनल रॉक स्टार ऑफ दिस कंट्री एंड जस्ट विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और अभी जो भी है मैं पर्सनली जाके विश कर दूंगा। न्यू ईयर प्लान आई डोंट थिंक मैं इंडिया में होने वाला हूँ, आई एम आउट ऑफ टाउन मोस्टली, बट वापस आके फिर बहुत काम है, हैव टू लीव फॉर अबू धाबी फॉर डिशुम, बिकॉज डिशुम आने वाली है अगले साल में। और जस्ट विशिंग एवरी वन अ वेरी मेरी मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, होप यू गाइज अ वेरी सेफ एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू गाइज, थैंक यू। Sorry.